तो रूस की हरकत का विरोध पूरी दुनिया में हो रहा है। पेरिस की सड़कों पर उतरे लोग कह रहे हैं कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। ये लोग इसलिए जमा हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि जंग, वो नहीं चाहते कि रूस शुरू करे एक और विश्व युद्ध, वो नहीं चाहते कि यूक्रेन के लोग पर पुतिन का कहर बरसे, नहीं चाहते कि आशियाने तबाह हो, नहीं चाहते कि सैनिक मारे जाएं, घर उजड़ जाए, भले जमीन का टुकड़ा इधर जाए या उधर जाए, लेकिन आम लोग तो यही चाहते हैं ना कि पूरी दुनिया में अमन आए। नहीं तो सोचिए क्या मतलब है किसी दूर देश के लिए अपना वक्त निकाल कर आवाज बुलंद करने का? क्या जरूरत है फ्रांस में रूस के खिलाफ प्रदर्शन करने का? क्या जरूरत है रूस को विश्व शांति का संदेश याद दिलाने का? हाँ है जरूरत, ताकि दुनिया में सुकून रहे, लोग अपना कमाएं जिए खाएं, ताकि खौफ ना हो, ताकि परमाणु हमले का साया ना हो, दोबारा से हिरोशिमा और नागासाकी बनने का डर ना हो। रूस के दूतावास के बाहर ये लोग जमा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह वैसे तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, हाथ में 3 अलग अलग यूक्रेन, जॉर्जिया और बेलारूस के झंडे हैं, लेकिन पैगाम शांति का है। लड़ेंगे, दुनिया के बड़े लीडर लड़ते रहेंगे, उन्हें क्या, उन्हें अपनी जिद साबित करनी है, उन्हें वर्ल्ड लीडर बनना है, उन्हें अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना है, लेकिन आवाम ये नहीं चाहती, वो जीना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के फैसले के बाद यूक्रेन में बड़े पैमाने पर विरोध की आग भड़क उठी है। इसी बीच कीव में रूसी एम्बेसी में कागजात जलाने की तस्वीरें आई हैं। माना जा रहा है कि ऐसा सबूत मिटाने के लिए किया गया है। पुतिन जानते हैं कि उनके खिलाफ यूक्रेन में कितना गुस्सा है। उनके खिलाफ आग फैले इससे पहले ही कीव में रूस की एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स जलाए जा रहे हैं। रूस नहीं चाहता कि उनके गोपनीय दस्तावेज किसी के हाथ लगे, इसके चलते उसने बड़ी मात्रा में अपने गोपनीय डॉक्यूमेंट्स में आग लगा दी। रूसी एम्बेसी से उठता धुआं दूर से ही देखा जा सकता है। इस तस्वीर में देखिए कैसे एक शख्स एक एक करके कागजों को आग के हवाले कर रहा है। ये आग सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगह लगाई गई। पूरे कैंपस में देखा जा सकता है कि आग कैसे फैली हुई है। ऐसा लग रहा है मानो उपद्रवियों ने इस इलाके को आग के हवाले कर दिया है। ऊंची ऊंची दीवारों के बीच ये रूस अपने गोपनीय दस्तावेजों को जला रहा है। ये सब यूक्रेन में रूस के खिलाफ फैली चिंगारी के बीच हो रहा है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।